नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। कुछ ज्यादा कहने सुनने के लिए है नहीं इस देश में, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरा नैतिक कर्तव्य है, अधिकार है कि मैं आपको सच बताता रहूं, सत्ता से सवाल पूछता रहूं और जो आपकी परेशानी है उसे दुनिया को बताता रहूं। आज वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे है, इंटरनेशनल फ्रीडम प्रेस डे है और इस पर योगी भी बधाई दे रहे हैं जो पत्रकारों को नोटिस भेजते हैं खबर दिखाने को लेकर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसको पत्रकार चाहिए और किसको पत्रकार नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक डरे हुए पत्रकार वाला कौम गुलाम पैदा करता है, डिक्टेटर पैदा करता है। कुछ पहले बात कोरोना से, कर्नाटक में 24 लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई है। कोई सवाल पूछेगा येदियुरप्पा से, प्रधानमंत्री से? ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। लेकिन आप ट्विटर पर जाएंगे तो देखेंगे कि सुरेश प्रभु जैसा जो मंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ बधाइयां दे रहे हैं लोगों को। आज उसके कई नेताओं का, जिसमें रघुवर दास के भी बर्थडे है, सोचिए आज भी वो बधाई देने में व्यस्त है। आपका देश का केंद्रीय मंत्री बधाई दे रहा है, एक रेल मंत्री है आपका पीयूष गोयल, वो 1.5 मिनट का वीडियो बनाता है कि ये देखिए ट्रेन ऑक्सीजन पहुंचा रही है। तो सरकार प्रचार में लगी है और आप मरने के लिए मजबूर है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के बगैर सड़कों पर मर रहे हैं, मरीज के लिए रेमडेसिविर नहीं है, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन इस देश में धार्मिक कट्टरता देखिए, लोगों को लगता है कि सब प्रभु की लीला है और सब वही ठीक करेंगे। आप सोचिए, इस देश में 15% में से सिर्फ 5% ऐसी आबादी है जिसके पास ताकत है, पैसा है, संसाधन है। वही अब लाइन लग के वैक्सीन देखिए कितना बड़ा ये सरकार, वो 3-4 कंपनियों ने वैक्सीन बनाए थे, स्पुतनिक, फाइजर, मोडर्ना और कोवैक्सीन। इन लोगों ने वैक्सीन बनाया, मोदी ने क्या किया? सिर्फ बिजनेस के लिए सिर्फ कोविशील्ड को आने की अनुमति दी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिल गेट्स का पैसा लगा है और इसका सारा कॉन्ट्रैक्ट अदार पूनावाला को दिया, सिर्फ एक आदमी को दिया वैक्सीन बनाने का, जो अदार पूनावाला भाग गया अब लंदन और कह रहा है कि मुझे धमकी दी जा रही है। और जो वैक्सीन बना वो इन्होंने साहब ने वाहवाही के लिए कनाडा, बांग्लादेश और न जाने कहां कहां, ब्राजील, सब जगह बांट दिया, अपने लोगों को नहीं दिया। अपने लोगों में क्या कहा कि जिन प्रायोरिटी तय की, 18 साल से कम उम्र वाले को तो अब भी नहीं मिल रहा है, 18 साल से ज्यादा उम्र वाले को, बाकी को मरने दिया, पहले 55 साल वाले को, फिर 45 साल वाले को, और अब जब मौत सबके सर पर मंडरा रहा है तो 18 साल वाले को। अगर शुरुआत में ही हमारे पास वैक्सीन थी और सबको मिलता तो क्या दिक्कत होता, अब देखिए क्या हो रहा है। अब इन्होंने वैक्सीन के अभी भी दरवाजे नहीं खोले हैं, लेकिन अब किसको दिया है? प्राइवेट में मैक्स को, फोर्टिस को और बीएल कपूर को, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। वो 1000 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए ले रहे हैं, ये 150 रुपए में खरीद रही है केंद्र सरकार और राज्यों को बेच रही है। अब सोचिए, आपको वैक्सीन भी नहीं मिलेगा, आप भले सवर्ण हो, भले हनुमान जी के भक्त हो, राम के लिए चंदा भी दिए हो, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है क्योंकि वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि वैक्सीन अब पैरवी से लगेगा, पैसा के साथ साथ पैरवी, जैसे अभी पेट पैरवी से मिल रहा है, पैसा से मिल रहा है, ऑक्सीजन पैरवी से मिल रहा है, पैसा से मिल रहा है, रेमडेसिविर पैसे से मिल रहा है, पैरवी से मिल रहा है, वैक्सीनेशन भी अब पैरवी से और पैसा से मिलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन लिमिटेड है, वैक्सीन लिमिटेड है, तो जिसके पास ताकत है वो कर लेगा। तो वो सवर्ण भी, वो जनरल कैटेगरी के आदमी भी जो गरीब है, उसको वैक्सीन नहीं मिलने जा रहा है, आप एकदम मान लीजिए। तो सोचिए सरकार कितना फेल, निकम्मा, कर्मकांडी, कामचोरों की सरकार है और ये आदमी कितना कुरमगज और बेईमान है। अमित शाह का बेटा चूंकि क्रिकेट का हेड है तो आईपीएल हो रहा है, उसमें 2 खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, विदेश के लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के लानत हुए, लेकिन चूंकि अमित शाह का बेटा है तो वो खेल चलेगा क्योंकि उसका पैसा है, उसे पैसा मिल रहा है। नोटबंदी में भी अमित शाह के बेटा को बड़ा फायदा हुआ था और ये सब बातें खुल के आपको करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर जितने लोग टैग कर रहे हैं ना मदद के लिए, वो सब प्रधानमंत्री को टैग करिए, ये बेशर्म है। ये जो जितने पत्रकार लोग हैं, उमा शंकर को छोड़ दीजिए, तो ये सब बेशर्म है, इनके औकात नहीं है प्रधानमंत्री को टैग करने की। ये श्रीनिवास को, कांग्रेस को टैग कर, मीनाक्षी कंडपाल हो, रूबिका लियाकत, ये सब चाटुकार जो हैं,
प्रधान, आपको कोई समस्या सीधे प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजता है, टैग करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अब इसीलिए वैक्सीन सबको मिले, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन को जनरलाइज कर दिया जाए कि भैया आप अप्लाई कीजिए और बताइए इंटरनेट से वैक्सीन अप्लाई होगा। अब हमारे मम्मी पापा को तो इंटरनेट नहीं आता है, माँ बाबू जी को, ये कितने बड़े बेईमान लोग हैं, सोचिए वैक्सीनेशन इन्होंने कहां बांट दिया। अब आते हैं चुनाव पर, कल पश्चिम नहीं वैक्सीनेशन पर एक बड़ी खबर हो, देख लीजिए विपक्षी पार्टियों को थोड़ा दम मिला है, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन, ममता, इन तमाम नेताओं ने, शरद पवार, तमाम विपक्षी नेताओं ने दो लाइन की एक प्रेस रिलीज जारी की है और साफ साफ कहा है कि सबको ऑक्सीजन, सबको फ्री वैक्सीनेशन और पीएम केयर का हिसाब दे प्रधानमंत्री। सोचिए कोई दूसरा देश होता ना तो जनता प्रधानमंत्री घर का घेराव कर देती। आज खबर मिली है कि इनका जो सेंट्रल विस्टा है इसमें नए प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति, तमाम लोग के घर बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति और ये सब, ये 2022 में पूरा होगा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मर रहे हैं कोरोना में और वो घर बनवा रहे हैं अपना और नया संसद बनवा रहे हैं, उसका काम नहीं रुका है। वही तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा है कि फ्री वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा नहीं, उन्होंने बांट दिया। आज आप मर रहे हैं तो इसके लिए एक आदमी दोषी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो इसरो में जाके बैठ जाता है, इस नाकामी का उसके सिर्फ, और डरिए मत, बात कीजिए। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है चुनाव आयोग, अब तो साफ हो गया है, नंदीग्राम में देखा ममता बनर्जी वेबसाइट पर जीत रही है, साफ है कि इससे पहले वाला ये चुनाव आयोग जो है और तमाम संस्थाओं को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया। आप भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट, CAG, CBI, ED और कम से कम चुनाव आयोग तो बोलो, तुम्हारे सर पर भी मौत मंडरा रहा है। अब तो इन अमित शाह और मोदी से डरना छोड़ो, इन दोनों ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया और गुजरात में जैसे गुजराती ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, उनका 19-20 रहता है टैक्स का, दुनिया जहान का, वो सब डरते थे पुलिस वालों से, जो नहीं डरे उनको जेल में भट सरा रहे हैं। ये कुछ की हत्या, वहां के गृह मंत्री की हत्या हो गई थी, उसके बाद अमित शाह बने थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि गुजरात मॉडल को पूरे देश पर इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन पूरा देश डरपोक नहीं है, इस देश के नागरिक डरपोक नहीं है, इस देश के नागरिकों को सवाल पूछना चाहिए। चुनाव आयोग तो एकदम तय है कि बीजेपी की कठपुतली है, तमाम कोशिशों के बाद भी वो बंगाल में हार गए, बिहार में इसी तरह का कुकर्म हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा कि उनके साथ भी इसी तरह से किया गया था लोकसभा चुनाव में। तो मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह से इस देश को पंगु बना दिया गया है, चार लोग, अंबानी, अडानी, मोदी और शाह ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। और अब पहले तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी, दलितों का आरक्षण खत्म, निजीकरण किया जा रहा था, पिछड़ों का आरक्षण खत्म, निजीकरण किया जा रहा था, सिखों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, जाट गुर्जर के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और अब तो तय है कि जो 15% जो 10% आबादी थी जिनके ये नेता बने घूम रहे हैं, जिनका मीडिया, बिजनेस, कॉरपोरेट, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, उन पर भी मौत मंडरा रहा है। तो अगर फ्री वैक्सीनेशन नहीं होता है तो किसी गरीब को वैक्सीन नहीं लगेगा। आपको तय करना है कि राम मंदिर बनना चाहिए या वैक्सीनेशन। और मैं फिर कह रहा हूं चुनाव आयोग तो तय है कि चुनाव आयोग पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है, किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, और इसलिए लगातार लोग पोस्ट लिख रहे हैं। मैं भी कुछ पोस्ट पढ़ के आपको सुना दूं जो कि सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया है वो जो है, सभी चैनल नंदीग्राम में ममता जी को जीता हुआ बताया, पर शायद जीता कोई और, यही है EVM की लीला। तो EVM जो है वो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हो गया है और कोई भी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने से कर्नाटक में 24 की मौत, अगर फ्री वैक्सीन ऑल नहीं तो गरीब सवर्णों यानी EBS, OBC, SC, ST को वैक्सीन नहीं मिलेगा। योगी जी जैसे लोग बधाई दे रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगा दिया पर उसमें गैस नहीं है, यहाँ एम्स भोपाल का। और अमेजिंग 54 पैंथर्स, दो पैंथर्स पार्टी ने तमिलनाडु में जीते हैं, तत्कालीन चुनाव को भंग किया जाए और एक नया आयोग बनाया जाए, और ये डिस्पाइट ऑल द ओनली केरला, EVM हैकिंग, डेमोक्रेसी इन डेंजर, फासिस्ट बीजेपी, ECI अंडर बीजेपी, फियर ऑल अराउंड, और फिर भी बेशरम इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी से लोग इस्तीफा मांग रहे हैं।
और चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती नहीं करवाता, ये भी खबर है। और ममता ऑफिशियल इलेक्शन, सोचिए ममता वेबसाइट पर जीत रही होती है और वहां हार जाती है। और ये वो चिट्ठी है जिसमें सारे विपक्षी पार्टी ने फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।